Assalamualaikum. This is Ajay Shabbir. Welcome to Sama Podcast. We have senior journalist Mr. Asim Siddiqui with us. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. आज हम बात करेंगे 2024 यूएस इलेक्शंस के बारे में जो कि नवंबर 5, 2024 को मुनक्किद होंगे। यूएस में इस वक्त बहुत गर्मा गर्म सूरत-ए-हाल है, बहुत पोल्स हो रहे हैं, रैलीज़ निकल रही हैं, डिबेट्स भी होंगी, तो बहुत सी चीज़ें एक साथ सरफेस पे आ रही हैं। वी विल ट्राई टू रिकन्स्ट्रक्ट देम टुडे। तो सबसे पहले तो सर आप हमें ये बताएँगे जो 2024 यूएस इलेक्शंस हैं उसमें दो लीडिंग पार्टीज़ जो नेक टू नेक हैं इस वक्त वो कौन सी हैं? एक तो रिपब्लिकन है और दूसरी डेमोक्रेटिक। अच्छा, ये जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो डिफरेंट रिवाज है कि यहाँ पर हर बार कोई ना कोई नई पार्टी भी आ जाएगी और मतलब कभी PMLN वर्सेस PTI होता है, कभी पीपल पार्टी होता है, इस तरह की काफ़ी। हाँ, वहाँ पर USA के अंदर हमेशा से 2 पार्टी सिस्टम रहा है इलेक्शंस का। सो जो रिपब्लिकन है उनको ट्रम्प लीड कर रहे हैं, ट्रंप पहले भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। ट्रंप के साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनके हैं JD वैंस। और इसी तरह से जो दूसरी पार्टी है जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके अंदर कैमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है करंटली US की, वो है प्रेसिडेंट की उम्मीदवार। उनके साथ टिम वॉल्स जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है। सच ये बड़ी ना मज़ेदार सिचुएशन है। पहले जो बाइडन ने जो है एज फॉर द प्रेसिडेंट कम्पीट करना था, बट पहली डिबेट होती है TV चैनल के ऊपर ट्रंप वर्सेस बाइडन, और ट्रंप उनको ताने देते हैं हेल्थ के, ट्रंप उनको ताने मारते हैं कि आपकी फिटनेस जो है वो ठीक नहीं है फॉर द प्रेसिडेंट, एंड इट वाज टेकन वेरी सीरियसली बाय द अदर पार्टी। फिर उसके बाद जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो बेसिकली अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त USA की, उनको नॉमिनेट करते हैं फॉर द प्रेजिडेंशियल रेस। अभी उन्होंने टिम वॉल्स को जो है अपना वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया है, और टिम वॉल्स की भी एक हिस्ट्री है, वो हम आगे जाके उसको शेयर करेंगे। सो ये 2 पार्टीज़ हैं, इन्हीं के मुकाबला होना है। इनकी ऑलरेडी जो है ना कुछ बेसिस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ इस तरह से कर रहा हूँ कि जिस तरह सिंध के अंदर हमारी पीपल्स पार्टी की एक बेस है और पंजाब के अंदर PMLN की एक बेस है, इसी तरह से वहाँ पर USA के अंदर भी आपके पास डेमोक्रेटिक्स की कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे पता है कि ये डेमोक्रेट्स की स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो भी हो ये जीतेंगे। इसी तरह रिपब्लिकन की कुछ स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो हर बार जो है ना गेम चेंजर। अच्छा, जब हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को डिस्कस करते हैं तो ट्रंप के बारे में तो सभी जानते हैं, उनका टेन्योर बहुत फेमस भी रहा है लो टैक्सेस और हाई इनकम के सिलसिले में। लेकिन कामला हैरिस की जब हम बात करते हैं तो उनके बारे में बहुत रेशियल कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि शी इज़ अ ब्लैक वुमन, सम आर सेइंग कि वो इंडियन है। तो क्या उनका बैकग्राउंड है और इस कॉन्फ्लिक्ट का जो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट है इससे उनकी इलेक्शन कैंपेन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, ये ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो डिबेट है, और ट्रंप जो है वो थोड़े आउटस्पोकन भी हैं और उन्होंने बड़ा खुल के इसके ऊपर जो है ना किया है कि मुझे उनका लास्ट नेम का भी कन्फ्यूजन है। वो यहाँ तक कहते हैं कि ये बंदी जब वोट लेने जाती है, अगर तो सामने वाला ब्लैक होगा तो उसके सामने ब्लैक बन जाएंगी, और अगर वो इंडियन या दूसरी रेस का होगा तो उसके सामने वो बन जाएंगे। अच्छा, शी इज़ वेरी लकी इन दैट वे कि जो उनके फादर थे वो जमैका से थे और उनकी जो मदर थी वो इंडियन थी। सो उनके पास दोनों का एज है, वो इंडियन भी है और प्लस वो ब्लैक रेस के अंदर भी है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? एक बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है। आई हैड द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल इलेक्शन। मैं PhD के लिए बाहर था तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इलेक्शन हुए। मेरा जो मुकाबला था वो एक नाइजेरियन कैंडिडेट के साथ था, एंड ही वाज फ्रॉम अ ब्लैक रेस। आप यकीन करें, देयर वर टोटल 85 कंट्रीज़। 85 के अंदर से जितने भी कंट्रीज़ जहां पर ब्लैक रेस की मेजोरिटी थी उन सब ने उनको सपोर्ट किया, नॉट अ सिंगल वोट। तो इतनी यूनिटी होती है इसके ऊपर, इसी वजह से ट्रंप बार बार उनको हिट कर रहा है कि ये जनाब ब्लैक नहीं है, ये इंडियन है, ये इंडियन नहीं है, ये ब्लैक है, ताकि वो जो सिंपैथी वोट है वो गेन करे और वो अपने लिए भी उतने ही ब्लैक वोटर्स को ऊपर लेके आए। देयर इज़ अ ह्यूज वहाँ पर ठीक ठाक वोटरशिप है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रंप की कॉन्फ्लिक्ट है, उन्हें स्टेटमेंट भी दिया कि शी हैपेंड टू टर्न ब्लैक, और JD वैंस ने उनको कैमेलियन भी कहा है। तो ये स्टेटमेंट्स अगर इनको माइनॉरिटीज़ कंसिस्ट करें एज अ रेसिस्ट कॉमेंट्स तो फिर ये उनके लिए बैकफायर भी कर सकता हो रहा है। लेकिन देखें, दे हैव नो अदर वे ये इसको डिफ्यूज़ करने का कि वो आपको ये समझाते हैं आवाम को कि जनाब वो तो है ही नहीं ब्लैक रेस से, वो तो है ही डिफरेंट, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो दे विल बी पिंचिंग इट अगेन एंड अगेन, और उससे क्या होगा? हाँ, लोगों के अंदर होगा कि हाँ यार ये कंफ्यूजन पैदा होगी, एग्जैक्टली वोटर्स स्वे हो जाएंगे। अदरवाइज जो वाइट वोटर्स हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमें ये वाइट और ब्लैक की डिबेट करनी पड़ी है, बट ये रियलिटी है US के इलेक्शंस में। वहाँ पर एक क्लियर डिवाइड है जो कि इलेक्शन के अंदर भी होती है और वैसे भी आपको नज़र आ रही होती है। ट्रंप के बारे में तो ये कहा भी जा रहा है ना कि ही इज़ प्रो अमेरिकन, के अमेरिकन को सपोर्ट करेंगे, माइनॉरिटीज़ का उनका इतना कंसर्न नहीं है, जबकि कामला हैरिस सारी माइनॉरिटीज़ को लेकर चल रही हैं। देखिए उन्होंने बेसिकली जो अभी तक की जो पोल्स आ रहे हैं उसके अंदर माइनॉरिटीज़ प्लस जो यूथ है वो कामला हैरिस की तरफ बहुत जा रही है। बट ट्रंप जो है वो भी अब इस तरह, अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जलसे बनते हैं, एक माहौल बनाया जाता है इलेक्शंस के लिए। यूएस के अंदर सितंबर वो महीना है जिसके अंदर पता चल जाएगा आपको बाय द एंड ऑफ सितंबर कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। कैसे वहाँ पे डिबेट्स होंगी, अभी रैलीज हो रही हैं लेकिन अभी वो पेस स्लो है। जब डिबेट होती है ना तो वहाँ पे एजेंडा बेस्ड डिबेट होती है कि आप कैसे जॉब्स क्रिएट करेंगे, आप वोटर को क्या देंगे, आप टैक्सेस कैसे कम करेंगे, आप इनकम कैसे ऊपर लेके जाएंगे। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारी पॉलिसीज जो हैं वो पहले ही खोल के सामने रखते हैं। ओह यस, तो आम आवाम के लिए, जो पाकिस्तानी आवाम है उनको समझाने के लिए हमारे यहाँ तो एक जलसा होता है, उसके अंदर हम दूसरी पार्टी के खिलाफ बातें कर देते हैं और अपना मशहूर बता देते हैं। यूएस के अंदर एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है, वहाँ पे रैलीज भी होते हैं, जलसे भी होते हैं, बट वहाँ पे डिबेट्स जो होती हैं वो बड़ी की फैक्टर होती है। दोनों कैंडिडेट्स आमने सामने आते हैं, वो एक दूसरे के साथ एजेंडा बाय एजेंडा उनको टाइम दिया जाता है। यूजुअली जो टीवी चैनल्स हैं बड़े वो इसके ऊपर इनिशिएटिव लेते हैं, वहाँ पर होती है डिबेट्स, इवन यूनिवर्सिटीज़ भी लेती हैं, लेकिन आजकल टीवी चैनल्स की ज़्यादा डिबेट्स को, क्योंकि उनकी रेटिंग ज़्यादा होती है, उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा होती है। सो सितंबर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो आपका मानना है कि जो डिबेट्स में चैम्पियनशिप हासिल कर लें उन्हीं की इलेक्टोरल सीट होगी? 100%, क्योंकि वो अपना नैरेटिव क्लियरली लोगों को बता देगा। और डिजिटल दौर है, जो चीज़ आपने एक दफ़ा पुश कर दी, आप ट्रंप वर्सेस बाइडन की एक डिबेट जो स्टार्ट की थी उसी के अंदर आप एग्जांपल ले लें कि उन्होंने उसको हेल्थ के बारे में पिंच किया और वो उनके लिए जो है ना रास्ता खाली हो गया। बिल्कुल, अब जब ट्रंप को गोली लगी, ठीक है, उसके बाद से अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई। आपने भी गोली लगने की बात की है सर, तो जब ट्रंप पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, आपको क्या लगता है कि वोटर्स का रुझान उससे पहले कैसा था और बाद में कोई वाज़ेह इफेक्ट नज़र आता है? बहुत ज़्यादा टिल्ट आया। देखिए ट्रंप जो है क्योंकि दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट के लिए आ रहे थे तो लोग ऑलरेडी उनको जानते थे, सिर्फ एक आप कह सकते हैं 15 से 20% जो है वोटर उनके साथ था, बाकी का 80% जो था वो अभी कन्फ्यूज़ था कि इसके पास क्या नई पॉलिसीज़ हैं, ये क्या नया एजेंडा लेके आएगा। जब उसके साथ ये वाक़या हुआ विच वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसके बाद से जो 20% के ऊपर उनका पोल था, जो वोटिंग थी, वो जंप अप हो गई थी 50% के ऊपर, विच इज़ अ ह्यूज जंप। और सिंपथीज उनके साथ चलेगी, फिर उन्होंने इसको कैपिटलाइज बड़े अच्छे तरीके से किया। बाइडन ने हेल्थ इश्यूज की वजह से रेस छोड़ दी और उन्होंने असैसिनेशन अटैम्प्ट के बाद भी कायम रखा, तो उसकी वजह से उनको बहुत सिंपथी। बिल्कुल, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई कि क्या ये फेक था ये और था, बट इसके ऊपर यूएस गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट थी जिसके अंदर जो बाइडन जो इज़ द प्रेजिडेंट, उन्होंने इसको डिनाई किया कि ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, इसमें किसी तरह की कोई फेकनेस नहीं थी, ये बड़ा एक सीरियस इंसिडेंट है, ये जो सीक्रेट सर्विस है उसका बहुत बड़ा लूप होल है, और जिसके ऊपर उनकी जो इंचार्ज थी, जो हेड थी, उनको भी रिमूव कर दिया गया था। सो फ़र्क तो पड़ा, ट्रंप की जो रेटिंग्स है दे आर वे यू नो मोर देन जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसके ऊपर। कल ही एक पोल का रिजल्ट आया जिसके अकॉर्डिंग कामला हारिस 3 स्टेट्स में जो है लीड करेंगे ट्रंप से, लेकिन इन्हीं स्टेट में एक स्टेट है मिशिगन जहाँ पे वो लीडिंग पे आ रही हैं। जब वो मिशिगन में मौजूद थी और रैली कर रही थी तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, बिकॉज व्हेन शी वाज अंडर बाइडन तो वो गज़ा वॉर को सपोर्ट कर रही थी, अगेंस्ट गज़ा, जब वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था बाइडन, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ उनके खिलाफ। तो लेकिन पोल के रिजल्ट में तो वो ऊपर जा रही हैं, तो ये क्या सीन है, पोल क्या करेक्ट नहीं होता? अच्छा, उसमें ना देखें, पोल बिल्कुल करेक्ट होते हैं और उनके जो पोल्स हैं वो बड़े ऑथेंटिक समझे जाते हैं वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिचुएशन चेंज होती रहती है। देखें, नेतन्याहू ने यूएस विज़िट किया, वो जो बाइडन को भी मिला, वो ट्रंप को भी मिला। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि यूएस और इसराइल का क्या रिलेशन है, ये किस तरह से एक दूसरे की लॉबिंग करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो करंट गवर्नमेंट है उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि वो जो गज़ा के अंदर हो रहा है उसको रोकें, वो सीज़ फायर की तरफ जाए। फिर उसके बाद जो इस्माइल हानिया की डेथ हुई, पूरी जो कमला हैरिस और जो जो बाइडन की कैंपेन थी वो चेंज हो गई थी टुवर्ड्स दैट। इस वजह से ये जो 3 स्टेट्स के अंदर जो अभी पोल्स आए हैं वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको उन्होंने टिल्ट करवा दिया दूसरी तरफ। उससे पहले उनके खिलाफ बाकायदा नारेबाजी होती थी, बाकायदा जो जहाँ पर वो रैली करते थे लोग वहाँ पर वॉकआउट करते थे और ठीक ठाक किस्म की उनको अपोजिशन मिलती थी। बट अभी क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं और ये टिल द इलेक्शंस बहुत कुछ ऊपर नीचे होना है। अगेन मैंने आपको बताया ना कि डे बाय डे जो अभी यूक्रेन वार हो रही है उसके ऊपर बड़ा कुछ चल रहा है, उसके ऊपर भी एक पूरी प्रोपेगेंडा रिजीम चल रही है। ट्रंप की कोई और स्टेटमेंट है, कैमला हैरिस की कोई और स्टेटमेंट है। सो जहाँ पर लोगों को नैरेटिव अच्छा लगेगा वहाँ पर लोग उनकी तरफ जाएंगे। ये पाकिस्तान के इंडिया के इलेक्शनों से बहुत डिफरेंट इलेक्शन होते हैं। वहाँ पर जो नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं वो ज़्यादा मैटर कर रही होती है, हमारे यहाँ जो लोकल पॉलिसीज़ होती है वो ज़्यादा मैटर कर रही होती है। सो इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग टिल्टिंग अप टिल यू नो नवंबर 5। 3 महीने का अर्सा, उसमें बहुत से चेंजेस आएंगे, हमें देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली। जब हम ये टिल्टिंग की बात करते हैं तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। तो ट्रंप ने जब अपनी कैंपेन की थी, जब वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया था। तो इस बार आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का क्या रोल होगा? ये इट्स एन आर्ट। सोशल मीडिया को स्पेशली इलेक्शंस के अंदर यूज़ करना इज़ एन आर्ट। अब ये डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज़ इसको किस तरह लेके चलती हैं। कैमला हैरिस के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी उनका चला कि उन्होंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया और सारा कुछ। ट्रम्प इज़ ऑलरेडी अ प्रो, यस। अभी रात को उन्होंने एलन मस्क के साथ एक ऑडियो पॉडकास्ट किया जो कि बड़ा अच्छा चला। कुछ जो टीवी हल्के जो कि उनके एंटी ट्रम्प है, पता चल जाता है ना कि किस तरफ इनकी टिल्टिंग है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर वॉइस इश्यूज आ रहे हैं, बट इट वाज अ वेरी 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 वेल ड्राफ्टेड डिबेट जो दोनों ने की। छोटी छोटी चीज़ें थी, ये ऐसे ही था कि हम दोनों एक पार्टी के हैं और हम दूसरी पार्टी को बैश कर रहे हैं यूजिंग अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म विच इज़ एक्स। सो ये बड़ा जो है ना सोशल मीडिया बहुत रोल अदा करेगा। अभी जितने भी वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको इंगेज करेंगे ये लोग और कर भी रहे हैं। ट्रम्प तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट टाइम भी जब इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर ट्रम्प ने सोशल मीडिया कैंपेन को बड़े अच्छे तरह से यूज़ किया था। ही इज़ प्रो इनटू इट। कैमला हैरिस को जो है इसके अंदर बेहतर होने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जब गवर्नमेंट में होते हैं ना तो आपके खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, आपने उनको भी डिफेंड करना होता है। अभी इट्स वेरी इजी फॉर ट्रम्प कि वो कहते हैं ये भी गलत है, ये भी डिफेंड भी करना होता है, अपने काउंटर अटैक भी करना होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, मीडिया की भी हम बात करते हैं तो ट्रम्प ने कामला हैरिस के बारे में कहा है कि उन्हें न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं आती हैं और इंटरव्यूज़ मीडिया में वो ब्लैंक हो जाते हैं। यस, वेरी गुड पॉइंट। ये 3-4 रैलीज में उन्होंने बोला है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हालांकि बड़ा अब्रप्टली जवाब देते हैं और उनको पता होता है कि ये CNN का बंदा है तो उसको मैंने सख्त जवाब देना, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी सख्त होगा। लेकिन वो वहाँ पर एक बात ज़रूर करते हैं कि लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ, वेयर इज़ कैमला हैरिस? वो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही, वो क्यों नहीं प्रेस के सामने आ रही, क्या छुपाने को, क्या क्लैरिटी नहीं है? ये चीज़ें चलती हैं और ये एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स यू नो एज अ जर्नलिस्ट हमारे लिए सीखने को मिलता है कि देखें किस तरह से एक पूरे का पूरा सिस्टम चल रहा है, किस तरह से इलेक्शंस की कैंपेन हो रही है। हमारे यहाँ तो एक टोटली डिफरेंट सिस्टम है, वहाँ पर ये बड़ा एक मैच्योर्ड सिस्टम है। पाकिस्तान में जब हमारे पास वोटिंग हो रही होती है, कैंपेन्स चल रही होती हैं, तो हमारा तो ये काम है जी, रोटी कपड़ा मकान। तो यूएस के भी क्या यही कंसर्न्स हैं? अच्छा, 90% तो यही कंसर्न्स है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान ये हर इंसान की ज़रूरियात है, बट वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, कह लें अंडर डेवलप है, लेकिन वो एक डेवलप्ड कंट्री है। जब एक डेवलप्ड कंट्री बनता है तो उसकी कुछ और भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उसने सिर्फ US का नहीं सोचना होता, उसने अपने जो बाकी के ममालिक है जो उसके साथ एसोसिएटेड है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो बड़ा रोल होता है। सो वो फिर जो वोटर होता है वो भी देखता है कि यार ये ग्लोबली कितना इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, बेसिक्स तो वो करेगा, ठीक, टैक्स वो कम करेगा, वो हेल्थ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा, वो जॉब्स ज़्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है, विच इज़ ईजियर फॉर देम एज वेल, बिकॉज वो एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन क्या पूरी दुनिया के ऊपर उसका कोई असर होगा? क्या ग्लोबली वो इतना इम्पैक्ट डालेगा? सो ये उनका स्कोप काफ़ी बड़ा है इसके अंदर, बट अगेन जो मेन बेसिक है वो वहाँ पर भी रोटी कपड़ा मकान ही है। वहाँ पर भी लोग ये इमिग्रेंट्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये आ रहे हैं जिनकी वजह से हमारी जॉब्स कम हो रही है, ये आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सोशल सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हमारी हेल्थ का जो सिस्टम है वो अंडर प्रेशर आ रहा है। सो वहाँ पर भी ये डिबेट है, बट उसका लेवल थोड़ा कम है। आप क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के कंसर्न, किस कंसर्न की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है? अभी जैसे आपने जिक्र किया ना कि वहाँ पर जो पार्टीज़ होती है उनका क्या मैनिफेस्टो होता है, तो वो बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइव्स होता है। इन दोनों का भी मेजर एजेंडा तो वही है, लेकिन आगे जाकर अगर आप नैरो डाउन इसको करें तो एक चाहेंगे जिनके बारे में जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कैमला हैरिस है और टिम वॉल्स है, उनको कहा जा रहा है कि ये बड़े ख़तरनाक लिबरल है। सो जो LGBT हैं, जो दूसरे हैं, उनको ये ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिससे उनके माशरे के अंदर जो है ना थोड़ी सी हार्डनेस आएगी। अगेन जो दूसरी पार्टी है, ट्रम्प और उनके साथ जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो ब्लैक पीपल हैं या दूसरी जो रेसेस हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये इनके ऊपर बड़ा हार्ड स्टांस रखते हैं। जिस तरह उन्होंने पूरे का पूरा बॉर्डर वॉल्ड अप करने की बात की थी अपने दौर के अंदर, फिर इसी तरह से अभी भी ये बात आ रही है उनके बारे में कि वो इमिग्रेशन को बहुत टाइट कर देंगे, माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादा इतना फोकस नहीं रहेगा, और LGBTQ के ऊपर भी नहीं है उनका इतना। एग्जैक्टली जिस तरह से कामला जो है वो सपोर्ट करें ट्रांसजेंडर्स को, तो ये इनके लिए ना ये माइनर चीज़ है, बट मेजर वही है, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी है, वहाँ पर हर बंदा सफ़र करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या कहीं पर भी हालात ख़राब हैं तो US को इम्पैक्ट नहीं होगा। अब एक यूक्रेन वार चल रही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। सो ये अब ग्लोबल इकोनॉमी है कि ग्लोबल विलेज है, इसके अंदर आपकी पॉलिसीज़ इफ़ेक्ट करती हैं। राइट, तो अब ये बताएं कि कामला और ट्रम्प दोनों में से किसके जीतने से पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो इमरान खान छूट जाएंगे, पॉलिटिक्स में वापस आ जाएंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अभी काफ़ी अरसा सोशल मीडिया के ऊपर भी ये कैंपेन जारी है कि नवंबर में ट्रंप आएंगे, तो ट्रंप के आने के बाद जो है इमरान खान और PTA के ऊपर जो है काफ़ी रिलैक्सेशन आ जाएगी, बिकॉज ट्रंप और इमरान खान मिले हुए। देखिए, हर एक मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है पाकिस्तान में डिप्लॉय होंगी, जो US की वहाँ पे। दोनों गवर्नमेंट्स के अंदर कुछ लाइकिंग्स होती हैं, कुछ डिसलाइकिंग्स होती हैं, बट कोई भी कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि जनाब आप इसी को प्रेसिडेंट लेके आएँ, इसी को प्राइम मिनिस्टर लेके आएँ तो ही हम बात करेंगे। देखिए, जो भी प्रेसिडेंट आए, चाहे वो ट्रंप हो या कामला हैरिस हो, वी नीड टू बिल्ड अप आवर फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द ग्राउंड जीरो नाउ। अभी राइट नाउ बहुत एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन है। आप दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर के साथ उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करें जिस तरह से आपको करना चाहिए। हमारे यहाँ तो एक थ्योरीज चल रही हैं जी, फलां के आने से ये होगा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कानून है, आइन है, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। आपके अच्छे रिलेशंस होते हैं हर मुल्क के साथ, होने चाहिए, स्पेशली US के साथ होने चाहिए। सो वी विश देम ऑल दी बेस्ट। देखते हैं पाकिस्तान के लिए जो भी है, पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। जहाँ तक ये थ्योरीज आ रही हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब ये इतना मैटर नहीं करते हैं। जो स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं वो स्टेट लेवल के ऊपर होती हैं, इंडिविजुअल्स डोंट मैटर दैट मच। सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो US चाइना रिलेशनशिप्स बहुत डिटोरियोरेट हो जाएंगे, और US इंडिया रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तो पाकिस्तान बहुत गंभीर सूरत हाल में आ जाएगा। देखिए, US की जो इंडिया के साथ पॉलिसी है वो किसी प्लान के तहत थी, और जो चाइना के साथ है वो US की हमेशा से इसी तरह से रही है, हार्ड एंड सॉफ्ट। ये चलता रहता है, हर एक पॉलिसी अपने बेनिफिट के लिए होती है। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट, इसी तरह से ट्रंप कहता है अमेरिका फर्स्ट। सो अगर उसको लगेगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की वजह से अमेरिकन इंडस्ट्री को इफेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो उसको बैकलैश करेंगे। इंडिया को उन्होंने इनकरेज इसलिए किया था कि टू यू नो चाइना को कंपटीशन देने के लिए, बट वो इंडियन इंटरेस्ट ज़रा डिफरेंट थे। अभी एक जो इंटरनेशनल लॉबिंग है उसके अंदर ये आवाज़ आ रही है कि US जो है पुल ऑफ कर रहा है इंडिया से। बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसका इंडिया और जो इंडियन लॉबी है वो ये करवा रही है शेख हसीना से कि ये USA ने करवाया। म्यांमार के अंदर जो हो रहा है वो ये करवा रहे हैं कि ये भी USA करवा रहा है। सो अगेन ये चलता रहता है। ये वो थ्योरीज हैं, ये दिस विल गो ऑन अनटिल द इलेक्शंस। पाकिस्तान के लिए किसकी जीत मस्बत साबित होती है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो 10 सितंबर को डिबेट होती है उसमें क्या पॉलिसी सामने आती हैं, कौन से सेलियन फीचर्स निकलते हैं। हम उनको एनालाइज करेंगे, टॉक डाउन करेंगे आपके लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।